वेलकम बैक अगेन। मनाली की सीरीज में हम कल से यहाँ घूम रहे हैं और आज इस समय हम खड़े हैं मॉल रोड और यह है बस स्टैंड जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं। अब हम ये ब्लॉग शुरू करेंगे और कौन कौन सी जगह जा रहे हैं, कहाँ कहाँ जा रहे हैं, हम आपको साथ रखेंगे। कंटिन्यू बने रहिएगा इस ब्लॉग पे और वीडियो को ज़रा थोड़ा प्यार दे दीजिए, अगर लाइक कर दीजिए कि मैं टारगेट रखता हूँ इस वीडियो पे, कम से कम आप मुझे 1000 लाइक तो ज़रूर दे देंगे। 1000 लाइक तो मिलने चाहिए ना, इतनी मेहनत कर रहे हैं। प्लीज़ वीडियो को प्यार दीजिए भरपूर। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ के बहुत ही पॉपुलर डेस्टिनेशन मनाली के, जो लोग अक्सर यहाँ आने वाले हर लोग देखते हैं। तो आइए लेट्स गो, चलते हैं आगे। तो दोस्तों इस समय खड़े हम माल रोड पे और माल रोड से जाएंगे हम अभी हडिम्बा देवी टेंपल और वहाँ से फिर नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे। और ये यहाँ का पॉपुलर पैलेस है, यहाँ का माल रोड मुख्य जो मार्केट है माल रोड। यहाँ इवनिंग में और ही शानदार नज़ारा रहता है। यहाँ पर हर तरह के आपको मार्केटिंग के लिए, परचेजिंग के लिए हर तरह की शॉप्स मिल जाएंगी। यहाँ पर जो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं, यहाँ की जो और किसी भी तरह की जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें आपको यहाँ मिल जाएंगी। अच्छे अच्छे यहाँ पर रेस्तरा आपको मिल जाएंगे, यहाँ का सभी तरह का भोजन आपको मिल जाएगा। मनाली की माल रोड जहाँ सर और हम आप लोगों के लिए मस्तियाँ कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, घूम रहे हैं। ये हमारे विजय सर भी साथ में थके थके से घूम रहे, पता नहीं क्यों। अरे सर थका मत, एंजॉय करो, देखो कि दुनिया आप लोगों को कितने प्यार दे रही है। इसलिए दोस्तों सर के चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज, लाइक करना, शेयर करना और दबा के करना। इनकी बात फिर मेहनत करेंगे, इनकी बात जरूर माननी है भैया। दोस्तों ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से, दबा के शेयर करना, फिर देखो सर आपके लिए और आगे लक्ष्य लाएंगे। दोस्तों हम यहां से पैदल जाएंगे हडिम्बा मंदिर और वैसे यहां से हम ऑटो भी ले सकते हैं, ऑटो लेके भी जाया जा सकता है या टैक्सी कर सकते हैं, लेकिन हमने निश्चय किया है कि हम पैदल ही जाएंगे, जिससे पैदल जाने का आनंद ही कुछ और होता है। पैसे भी तो बचेंगे ना, हाँ जी, बात पैसे बचाने नहीं है, लेकिन हम माल रोड, अब देखो अपन चल रहे हैं माल रोड घूमते हुए और चलते हैं हडिम्बा देवी मंदिर की तरफ। ये हमारे नीरज जी और विजय जी यहाँ भुट्टे खरीदने लग गए हैं। मैं नहीं लूंगा भाई, देखो ना ना, अब थोड़ा सा लूंगा मैं, मुझे पसंद नहीं आपके भुट्टे भुट्टे ये। अच्छा ये भैया कह रहे हैं कि मनाली में आकर भुट्टा नहीं खाया तो क्या खाया गया। अरे चलो आपके लिए सर, चलिए भैया की बात मान लेते हैं, हम भी देख लेते हैं, टेस्ट करते हैं कैसा है। हो जाएगा सर। क्या नाम आपका? दिलीप कुमार जी। जी है। ये कौन सा बूटा है? अमेरिकन स्वीट कॉर्न भुट्टा। वास्तव में इसका स्वाद कुछ अलग है, क्वालिटी बढ़िया। ये देखिए दो भाई हमें यहाँ मिल गए हैं। देखो कहीं ना कहीं तो मिल जाते हैं, राजस्थानी को ढूंढ ही लेता है। आप दोनों भाई, शुभ नाम आपका? कुलदीप भोजक, संजय चौधरी और कुलदीप भोजक हमें यहाँ हडिम्बा देवी मंदिर में मनाली में घूमते हुए मिल गए हैं। हम भी राजस्थान से हैं। आपसे मिलकर अच्छा लगा, कब आए थे आप यहाँ?
3 दिन हो गए यहाँ पे करते हुए। अच्छा अच्छा, अभी 3 दिन और है हम यहाँ पे, फिर वापस आ गए। वेरी गुड, पूरा आनंद ले रहे हो मनाली का? पूरा 10 दिन का पूरा ट्रिप बना के आए। कैसा लगा? बहुत अच्छा। चलो अच्छी बात है, बहुत खुशी हुई आपसे मिल करके। और ये भी हमारी तरह घूमने ही आए हुए हैं, बीकानेर से हैं, और ये 3 दिन घूम चुके हैं और अभी और घूमेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फ्रेंड्स, हम इस समय हिडिंबा देवी मंदिर पहुंच चुके हैं और ये नीचे मनाली की माल रोड से लगभग 800 फीट की ऊंचाई पे घने देवदार के ऊंचे ऊंचे वृक्षों के बीच में एक तरह से जंगल है, और जंगल के बीच में ये मंदिर स्थित है। इस मंदिर की ऐतिहासिकता की बात करूं तो 1533 ईस्वी में कुल्लू के राजा बहादुर सिंह जी के द्वारा ये मंदिर का निर्माण करवाया गया था। और इस मंदिर की खास विशेषता ये है कि ये 4 मंजिल में है। इसकी 3 जो मंजिलें हैं वो लकड़ी की हैं और 4थी मंजिल पीतल और तांबे की है। नीचे गर्भगृह थोड़ा जमीन में है, जहाँ महाभारत कालीन भीम की पत्नी माता हिडिंबा देवी का मंदिर स्थित है। मनाली आने वाला हर पर्यटक यहाँ अपनी मनोकामना मांगने के लिए आवश्यक रूप से यहाँ इस मंदिर पहुँचता है और घंटों लाइन में लग करके माता के दर्शन करता है। अब मैं इसके चारों तरफ से आपके इस मंदिर के कुछ व्यू आपको दिखा देता हूँ। हाँ, ये देखो, ये देवदार के वृक्ष, यार ये ऊंचाई कितनी रख रही है।